लेकर टीवी सीरियल या फिल्म तो नहीं बनती, उसे उस ख्याल को पेपर पर लाना पड़ता है। फिर जब वो लिखकर पूरा हो जाता है, जिसके लिए कभी कभी कई दिन लगते हैं, कभी कभी कई वीक्स, महीने या फिर साल भी, वो ख्याल डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक टीम बनाते हैं जिसमें आते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स, DOP, स्पॉट दादा, सेटिंग दादा, कास्टिंग डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट एंड मच मच मोर। बट ये सब कुछ देखकर, मतलब जो शूटिंग होने के बाद पूरा फुटेज आता ना, वो देखकर भी आप सिंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिखरे हुए मोतियों को माला नहीं कहा जाता। तो उन बिखरे हुए मोतियों को जो बंदा कलेक्ट करता है, एक धागे में उसे पिरोता है और उसकी माला बनाता है ना, उसे कहते हैं एडिटर। डायरेक्टर से पहले डायरेक्टर के विजन को देखने वाला बंदा यही तो होता है एडिटर। आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही बंदे के साथ जिन्होंने एडिटिंग की परिभाषा ही बदल दी, एस एडिटर मेरे सर जावेद सैयद से। एडिटिंग का काम ही है कि क्रिएट समथिंग गुड आउट ऑफ नथिंग। आपकी मधुबाला यही है। सर, आई वांटेड टू से सॉरी फॉर थिंग्स। जब मैं आपके साथ काम करती थी, कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, बुरा लगता था, क्या सर जाने के टाइम पे भी रोक देते, एक छोटे से प्रोमो को बार बार काटना पड़ता है। बट जब आज मैं उन बारे में सोचती हूँ, तब पता चलता है कि आपने जो मुझे रोका था, वो जो एक घंटा मेरा तब मुझे ऐसा लगता था बर्बाद हो गया, बट वो एक घंटा मेरे लाइफ को जोड़ रहा है। आज मुझे इतना छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब मैं एडिट पर बैठती हूँ तो मैं बताती हूँ, नहीं ये निकाल दे, इससे वॉइस मैच होगा, ये निकाल दे, इससे वीडियो मैच होगा। पता है, मुझे लगता है कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोग आज काम नहीं कर रहे, शायद यही बुरा है आज की पीढ़ी के साथ, क्योंकि उनके ऊपर जो छत्र छाया है ना, वो उन लोगों की है जो पैसे के लिए काम करते हैं, जो पैशन के लिए काम नहीं करते। और शायद इसीलिए ना उनके पास, उनके खुद के पास भी वो जज्बा नहीं, दे आर जस्ट काउंटिंग मनी। और जैसे आपने कहा कि अभी आजकल के एपिसोड स्लो है, मुझे लगता है आजकल के एपिसोड्स फास्ट है, बट उसमें ना सिर्फ आपके एपिसोड स्लो थे, पर उनमें ना एक रिदम था, एक सीन में एक फ्लेवर था। आई स्टिल रिमेम्बर सैलाब, आपका हीना, वो गॉड, अभी भी वो सीन याद आते हैं। वो ऐसे कोई सीन आजकल के सीरियल्स का है उनका याद ही नहीं आता। वो एक जमाना अलग था जिसमें हम लोग स्क्रीन प्ले पे बहुत काम करते थे, डायलॉग्स पे, देन आर्टिस्ट के ऊपर कंट्रोल डायरेक्टर का कैसे होना चाहिए, वो भी एक था। आजकल क्या वक्त नहीं है किसी के भी पास, आर्टिस्ट भी थोड़े वक्त के लिए आते हैं, कभी कभी डायरेक्टर की मजबूरी भी होती है। बट इवन देन अगर आप ध्यान से करो, जैसे कि एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कहानी घर घर की डायरेक्ट करता था, तो जिस हिसाब से मैं शूट करता था और इतने साल का मेरा एडिटिंग एक्सपीरियंस होने की वजह से, जब मैं शूट करता था तो मेरा एडिटर बोलता था, जब मैं उसको फोन करके पूछता था भाई कैसे आया सीन, बोलता था कि मैं क्या एडिट करूंगा सर, मैं तो सिर्फ जोड़ता हूँ, आप तो वहीं एडिट कर देते। क्या बात है। तो ये एक एक्सपीरियंस का ये अभी, यानी आज तक के, अगर इफ यू बिलीव मी, कि मेरे अभी 50 साल का एक्सपीरियंस हो गया एज एन एडिटर। 1971 में मैंने शुरू किया था एडिटिंग, तो अभी भी करता रहता हूँ, लेकिन उतने ही इंटेंसिटी और उतना बिजी मैं अपने आप को नहीं रखता हूँ, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा रिलैक्स काम करें। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इंडस्ट्री में? एक तो ये है कि बहुत रिपीटेटिव स्टोरीज आ रही है, लाइक फैमिली ड्रामा चल ही रहा है। और कभी कभी कोई एपिसोड देखो कोई दिन, तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती खींच रहे। कुछ सीरियल्स अभी मुझे बहुत पसंद आते हैं, मैं रेगुलरली देखता हूँ, तो वो सीरियल का कोई एक एपिसोड कभी ऐसा आ जाता है तो ऐसा लगता है क्यों था आज का एपिसोड, पता नहीं, मुझे लगता है आपको उनके पीछे के जो निवेंसेस है वो पता है, इस वजह से आप देखते हो यार क्यों इतना स्लो है, क्यों नहीं फास्ट किया, जैसे जलता है ना अपना दिल।
नहीं, वो तो एक एक्सपीरियंस की बात होती है, और एक क्या होता है ना कि यू हैव टू कीप योर माइंड ऑन द जॉब, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आजकल यंग लड़के हैं, मैं भी यंग था तो भी हो सकता मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता होगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मेरा एक एम था कि व्हेन यू सिट ऑन द जॉब देन इधर उधर कुछ नहीं, जैसे यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, जब मैं कभी सेट पे भी जाता हूँ तो बस मुझे वही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। वैसे ही मेरा एडिटिंग का भी है, और मेरे और भी क्लैरिटी इसलिए आती है कि कुछ भी शूट होके जब आता है मेरे पास, भले वो फीचर फिल्म हो या सीरियल हो, मैं पूरे रसेस देखता हूँ कि डायरेक्टर ने क्या शूट किया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसने क्या सोच के ये शॉट किया, और फिर उस हिसाब से मैं एडिट करता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि रवि टंडन साहब जो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, वो एक सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे कंपनी के लिए, सिद्धांत सिने भी, तो उन्होंने बोला भाई, वो प्रोड्यूसर को पूछा मनीष गोस्वामी को कि एडिटर कौन होगा, तो फर्स्ट एपिसोड मैंने एडिट किया उनके बेटे राजीव टंडन के साथ, और जब एडिट हुआ एपिसोड तो रवि साहब को बुलाया गया, उन्होंने देखा, मैं अगली बार से नहीं आऊंगा एडिटिंग में, मैं एपिसोड देखूंगा भी नहीं। मैंने, क्यों सर, कुछ गलती हो गई, क्या हो गया? बोला, नहीं इसमें कुछ खामी नहीं है, तो मैं क्यों आके अपना टाइम बर्बाद करूं, मैं कुछ दूसरा कर। तो ऐसा होता है क्योंकि वो उस वो जो उनके लड़के थे राजीव टंडन, वो बेटा उनका, तो वो नहीं जाके रिपोर्टिंग करते थे डेली कि अरे ये एडिटर को कुछ भी बोलो तो एक कट बताते हैं, और दूसरा जो उनका पहला एडिटर था वो बोलता था नहीं ये बेस्ट है, इससे अच्छा नहीं होगा। और मेरा क्या है कि एडिटिंग, इन एडिटिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज की पांच अलग अलग ढंग से भी एडिट हो सकता है, बट यू शुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। पेशेंस भी होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। एक तो एडिटिंग इज अ जॉब ऑफ पेशेंस, जो आजकल के एडिटरों में नहीं है, क्योंकि उनको जल्दी से काम खत्म करना है। मेरा ऐसा नहीं था, हालांकि हर चीज़ मेरे टाइम पे टेलीकास्ट होती थी, सब कुछ होता था। एक ज़माना था कि मैं पर डे वन एपिसोड टेलीकास्ट होता था मेरा, अलग अलग सीरियल का, लेकिन वो कभी वक्त पे नहीं टेलीकास्ट हुआ, ऐसा होता ही नहीं, लेकिन मैं इत्मीनान से काम करता, मेरे हिसाब से, मेरे डायलॉग से, मेरे स्पीड से। बट मेरा एक एम होता था कि शाम को 6 बजे ये एपिसोड में कंप्लीट करूँगा, और एग्जैक्टली 6 बजे कंप्लीट हो जाता था। आई नो अबाउट योर पंक्चुअलिटी सर। हमारे जैसे बच्चों को जिनका कुछ मतलब स्टडीज में ध्यान नहीं होता, जो 35-40% नहीं मिला ले, तो उनके पेरेंट्स मतलब ये करते कि त्योहार मनाना शुरू कर देते, तो आप इतने स्टूडियस थे, तो आपकी फैमिली ने अपोज नहीं किया इस फील्ड में आने के लिए? नहीं, इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि FTII नाम की कोई चीज पुणे में एग्जिस्ट करती है। समहाउ माय डैडी केम टू नो एंड ही सेड आई थिंक यू शुड जॉइन FTII। मैंने, मुझे तो इंटर साइंस किया हूँ, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। ही सेड नहीं, दैट इज टू लॉन्ग अ कोर्स एंड वी माइट नॉट अफोर्ड इट, सो दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम, देन हाफ वे तो आप ये ही ज्वाइन करो। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे कुछ शौक था फोटोग्राफी करने का, तो स्टिल्स वगैरह उतारता था, तो मैंने फिर फॉर्म मंगाया FTII से, जाके लेके आया, और फर्स्ट कोर्स डाला सिनेमाटोग्राफी एंड सेकंड चॉइस डाला एडिटिंग। और आई वॉज वेरी रिलक्टेंट टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना ही नहीं था सही मानो। तो मैंने यहाँ बॉम्बे में उसका रिटर्न टेस्ट होता है, तो दादर में एंटीनियो डिसिल्वा स्कूल में मेरा नंबर लगा था, तो वो मैं ऐसे ही यानी बेदिली में लिख दिया आंसर पेपर। ओके, बट आई गॉट थ्रू। मतलब हम लोग दिन रात पढ़ाई करके भी पास नहीं होते,
ये सर फेल होने का सोच के भी पास हो जाती है, क्या बात है। ऊपर वाले का कुछ होगा। आई नो। और फिर इंटरव्यू में मुझे सिलेक्ट नहीं किया फॉर फोटोग्राफी। ओके। एंड देन अल्टरनेट कोर्स में I was kept on waiting list first for the editing course. For editing course. Okay. तो मैं बड़ा खुश था। उस समय में भी लोग इतना इंटरेस्ट देते थे। अरे उस वक्त क्या था कि पूरे कोर्स के लिए एंटायर इंडिया फुल कंट्री में से सिर्फ 10 स्टूडेंट देते थे। ओह। एक कोर्स के लिए, जैसे एडिटिंग के लिए 10, डायरेक्शन के लिए 10, फोटोग्राफी के लिए 10, ऐसे। तो I was the 11th man. और फिर मैं सोचा कि अभी यार जो 10 सिलेक्ट हुए दे मस्ट बी थिंकिंग कि वो बहुत लकी लोग हैं, तो वो तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो वेल मुझे चांस नहीं मिलेगा, तो आई वाज वेरी हैप्पी। ओके। कुछ भी करके आई विल ज्वाइन समथिंग एल्स, अपना इंजीनियर। हाँ। बट वो लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, वन एक आदमी ने शायद ज्वाइन नहीं किया ना, आई वॉज गिवन अ चांस टू ज्वाइन, सो आई ज्वाइन। एंड देन छह महीने गुजरे, उसके बाद मैं तो तलाश करता रहा कि कैसे और क्यों छोड़ दूं ये कोर्स। तो मन नहीं था, मन ही नहीं था। तो वो जब साउंड शुरू हुआ टॉकी पोर्शन, तो मुझे बहुत तकलीफ होने लगी क्योंकि दिमाग उधर जाता ही नहीं था। तो मैंने जाके अपने डैडी को बोला कि नहीं नहीं ये मैं कोर्स छोड़ दूंगा, बिकॉज मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और उतना कंफ्यूजिंग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, नहीं तुम जाके अपने टीचर को बोलो, ही बीइंग अ टीचर। तो मैंने जाके हमारे वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे मिस्टर रामचंद्र राव, आपको इतने नाम याद है अभी तक? तो वो मेरा आइडियल है रामचंद्र राव, a very nice person, very nice person, he is no longer there. तो उनको जाके बोला मैंने, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है एंड आई विल लीव द कोर्स। हाउ कैन यू लीव द कोर्स, इट इज मेरी हार है, अगर तुमने छोड़ दिया तो ये मेरी हार है, चलो। एंड ही सैट विथ मी इन द एडिटिंग रूम फॉर 1 week. और वो उल्टा हुआ कि मैं उनको पूछता था कि ऐसे हुआ तो ये कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आई तो ये कैसे सॉल्व होगा, यानी मेरे दिमाग में जितना कंफ्यूजन था आई गॉट क्लैरिफाइड एंड दैट पर्सन पेशेंटली एक्सप्लेन्ड, पेशेंटली राइट फ्रॉम 7 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन बिटवीन लंच पीरियड ही यूज्ड टू बी विद मी। तो आपने उनका पूरा नॉलेज निचोड़ लिया और अपने अंदर डाल लिया। मैंने फिर सोचा कि यार नहीं, ये साधवी ने इतनी मेरे पीछे मेहनत की है तो आई मस्ट। और फिर जब मैंने शुरू किया तो आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट एंड इतने अच्छे से मैंने फिर सीखा सब चीजों को, समझा कि जब फाइनल एग्जाम मैंने दिया तो वो एक एक्सरसाइज जो आई थी, तो उस जज करने के लिए साउथ के कोई एडिटर आए थे, नामचीन एडिटर थे, अभी मुझे नाम याद नहीं है, 50-51 साल हो रहे हैं उसको। तो उन्होंने मुझे बुलवाया कि ये कट आपने कैसे किया। तो आई वॉज लिटिल बोल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं क्यों सर कुछ गलत है? बोला नहीं गलत नहीं, आपने कैसे किया ये मुझे मालूम करना है। तो मैंने उनको बताया, मैंने ये ना अगर साउंड टू साउंड करेक्ट एडिट करो तो एक्शन में जंप आता है, और अगर एक्शन परफेक्ट मैच करो तो साउंड में जर्क आता है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, तो ये बैक शॉट है इसलिए वो आर्टिस्ट का साउंड 3 फ्रेम मिसिंग किया, और वो भी मेरा बैक है तो समझ में नहीं आता है। तो आई यूज माई एक्सपर्टीज जो भी मैंने सीखा है उसमें, तो बैक में तो लिप मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो वो साउंड थोड़ा नीचे करके सर वो मिसिंग है, लेकिन आई सेड ओके एंड ही गेव मी 180 मार्क्स आउट ऑफ 200। वाओ, दैट्स ह्यूज। और मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई पास विद गोल्ड मेडल। ओके, सो फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? एक गुजराती फिल्म थी, जेसल तोरल,
स्टार्टेड विद गुजराती. नहीं मैं वही एडिटर के पास गया, मैंने कुछ काम करना है ऐसी हाँ. तो बोला कहाँ से आए हो? मैं FTI से कोर्स कर क्या. उस जमाने में आई एम स्पीकिंग अबाउट 1971 में FTI वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ इंस्टीट्यूशन. लोगों को लगता था क्या सीख के आया होगा क्या. मुझे पूछा हैंड जॉइंट मारना आता है? मैंने हाँ आता है. बोला मार के दिखा. मैंने उसको एक हैंड जॉइंट मार के दिखा. ये मेरा क्वालिफिकेशन था. तो मैंने हैंड जॉइंट मारा, देखा अच्छा लग जाओ काम पे. हमारा फाइनल चल रहा है तो एक्स्ट्रा हैंड चाहिए, तो आप उसके साथ काम करो. ये चीफ असिस्टेंट है, ये है, ये है, आप उनके साथ. ठीक है सर. सर कितना पेमेंट मिलता था? मैं बताया ना कि 3 का आंकड़ा मेरे साथ कुछ 300 रुपये महीना. क्या बात है, क्या बात है. और कितनी उम्र थी आपकी तब? नहीं यू वांट टू जज माय एज? नो नो मैं जज नहीं कर रहा हूं. मैं कैन जज. आई वाज जस्ट 21 इयर्स. ओह माय गॉड, 21 इयर्स ही स्टार्टेड अर्निंग. तो मैंने एक महीना काम किया, लेकिन लकीली मैं जैसे आपने बोला कि जहां भी हाथ डालना है वो होना ही होना है. वो फिल्म सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली ऐसी जैसल तोर इन गुजरात. तो उसका एक डायलॉग मुझे अभी तक याद है क्योंकि मुझे गुजराती तो आता ही नहीं था. उसमें एक डायलॉग था, हूँ कच्छ नो धरती नो काड़ो नाग. वो मुझे ऐसा फैसिनेट करता था. वो उपेंद्र त्रिवेदी करके आर्टिस्ट थे शायद जो वो बोलते थे. वो मुझे वो डायलॉग बहुत फैसिनेट. क्या मैं कच्छ की जमीन का काला नाग हूँ ऐसे कुछ हो, यानी खतरनाक आदमी हूँ ऐसा. खतरनाक तो हो सर नहीं बट आप अगर वही डायलॉग याद किया आप खतरनाक तो हो. तो ऐसे होता था. तो वो फिल्म इतनी सक्सेस हुई तो फिर उसके बाद मैंने दूसरे किसी के साथ काम किया. वहां एक राइटर होते थे चरण दास शोक. He was directing that film. तो उन्होंने मेरा काम देखा. मैंने असिस्टेंट करके काम कर रहा था. That was my second month in the industry. उन्होंने मेरा काम देखा. खैर वो फिल्म कंप्लीट हुई. जब कंप्लीट हुई तो मुझे बाहर लेके गए. चलो बेटा. तो ऐसे ही बाहर गए तो बोला मैं फोन करूंगा तो आ जाना मेरे घर पे, फिर बात करते हैं. ठीक है. मुझे बॉम्बे का कुछ भी पता नहीं था. मैंने आप कहाँ रहते सर? मैं बता दूंगा. तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया एडिटिंग रूम में. तो बोला कल आ जाना, कल संडे कल आ जाना. मैं किधर आ जाना? बोला चेंबूर कॉलोनी. जेजे से चेंबूर कॉलोनी कैसे आते? बोला जेजे से 6 लिमिटेड बस पकड़ो और जहां एंड होती वहां उतर जाना, फिर मुझे फोन करना. ठीक है. मैं उतर गया, बस पकड़ी, उतर गया. और फोन तो फोन किया वो पहले लैंडलाइन फोन होते थे. हाँ. मोबाइल तो थी नहीं, बट मतलब वो जो लाल डिब्बे रहते थे उसमें से काले होते थे. लाल भी नहीं होते थे वो बड़े. नहीं तो किसी से पूछ के परमिशन लेके कोई दुकानदार को 1 रुपया या ऐसे कुछ चार्ज करते थे. फोन कर लो. तो मैंने एक फोटो स्टूडियो से उनको फोन किया. बोला कहाँ हो? मैंने एक फोटो स्टूडियो. बोला टर्न करो. मैंने टर्न किया. मतलब मेरा हाथ दिख रहा है उनके जस्ट सामने ही. आ जा रहा है. गया फिर बात किया. बोला मेरी फिल्म शूट हो रही है नेक्स्ट मंथ से और तुम एज एन एडिटर काम करो. एडिटर इनिशियली? इमीडिएटली. क्या बात है. तो मैं लगे और वो फिल्म का नाम था कांच और हीरा. तो मैंने वो 6 महीने के बाद ही मैं एडिटर बन गया. फिर उनका एक दोस्त हुआ करता था उस जमाने में, ए सलाम डायरेक्टर थे. तो वो एडिटिंग रूम में आए. वो शायद हो सकता है खास तौर पे आए थे देखने के लिए कि मैं कैसे काम करता हूँ. थोड़ी देर बैठे चल दिए और दूसरे दिन मुझे बोलते मैं भी एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ पत्थरों का शहर, तो उसमें तुम मेरी फिल्म एडिट कर. तो बस यूं ही ऐसा वर्ड टू वर्ड बात आगे बढ़ती गई चलता. डायरेक्शन कैसे, एक्टर से डायरेक्टर कैसे बने? ये मैंने बताया ना कुछ अबाउट 36th ईयर होगा मेरी लाइफ का.
तो वो मैंने बताया कि रवि टंडन साहब का मैं सीरियल एडिट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे जब सीरियल पैकअप हो गई तो मुझे बोला कि बेटा आगे भी काम करेंगे साथ में, बहुत जल्द मैं फोन करके आपको बुला लूंगा। तो मेरी एक आदत थी सबको हाँ करने की, क्योंकि आई यूज्ड टू नेवर बिलीव कोई बुलाएगा। बुला तो लेते थे बट मैं एक कमिटमेंट कभी ध्यान में लेता ही नहीं था कि भाई कोई बुला लेगा। बोला बुलाया तो ठीक है, नहीं बुलाया तो भी ठीक है, काम तो चल ही रहा है। तो वो उन्होंने एक दिन फोन किया, राजीव टंडन उनके बेटे ने, बोला डैडी बुला रहे आ जाओ। तो मैं गया उनके घर पे, तो उनके बंगलो में गया, वहां वो बैठे थे, रवि साहब थे, ये राजीव टंडन और राजीव टंडन की बहन रवीना टंडन, वो सब बैठ के मुझे एक कहानी सुनाई उन्होंने। तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी कहानी है, और इट वाज अ मुस्लिम सब्जेक्ट, और आजकल हीना तो आजकल ये जो तलाक तीन तलाक का मसला चल रहा है, ये यानी उस वक्त मैं मैरिड भी नहीं था, या मैरिड था, हाँ मैरिड था, बट मुझे ये तीन तलाक एक साथ देना, आई डोंट नो, आई यूज्ड टू नॉट लाइक इट, माय पर्सनल फीलिंग। ओके, तो मैंने यार ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है रवि जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, कौन डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे तो लगा कि मैं एडिटिंग के लिए बुलाया हुआ हूं, मैं तो डायरेक्शन में कभी था ही नहीं। बोलो कौन डायरेक्ट करेगा, क्या आप डायरेक्ट कर रहे हो? जैसे एडिटिंग मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को बंद करके काम करते हो। हाँ, लेकिन डायरेक्टर डायरेक्टर्स के साथ नहीं आते हो, डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन ये वो करने की तो आदत थी ना, और बेपाक तो आप पहले से थे। हाँ। सही है तो सही है, गलत है तो वोट देने का गलत। अभी जैसे मैं बताऊंगे उस जमाने के नेक टंडन साहब बहुत मशहूर डायरेक्टर है, उनके साथ काम किया, रवि टंडन साहब के साथ काम किया, देन अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, गिरीश शर्मा, क्या कहना है, एडिटर ऑफ क्या कहना, क्या कहना इज माय वन ऑफ द फेवरेट, वेरी नाइस। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जैसे मैं जब उस समय में थी तब फिल्म देखने के पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मतलब कैसे, तो गलत ही है ये चीज, पर आप देखकर जब बाहर आते हो तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ यू शुड एक्सेप्ट, मतलब वो दैट इज आई थिंक अ रियल चेंज इन द सोसाइटी। फिर उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा, मैं समझा कि मजाक तो नहीं कर रहे मैं, सर सच 100% decided to select your artist। तो फिर मैंने मेरी हीना ढूंढने की कोशिश, सिमोन सिंह तो तकरीबन 6 महीने के बाद मिली मुझे, मतलब 6 महीने तक कास्टिंग ही चल रहा था, मैं देख ही रहा था, लड़कियां आती थी देखता था, नहीं यार ये नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही है, ऐसे चलता रहा, हंसी मजाक भी होता था कि और ऐसा कैसे कोई लड़की, तो रवीना टंडन का ख्याल नहीं है, नहीं, she was into films, she was never into TV's, और फिर एक दिन अचानक ये हीना आ गई, और that was her first serial, no it was not her first serial, but I think उसको recognition मिला, एक serial मैंने उसने काम की थी under विकास देसाई, okay, फॉर दुर्गा कोटे प्रोडक्शन, उसमें उसने काम किया था तो उसको देखा था, लेकिन वो यू कैन सी बिकॉज आई रिमेंबर हर आफ्टर हीना ओनली, एंड देन आई कास्टेड हर, एंड जो वो लड़की ने काम किया है, और वो एंगलसाइज लड़की, लेकिन उर्दू क्या बोलती थी, मोस्ट ऑफ माई आर्टिस्ट मैडम नीना कुलकर्णी, सर सर मी मराठी आहे, उच्चार कसे येणार मला नाही जमणार, उर्दू मैं वो हम देख लेंगे, दैट इज माय प्रॉब्लम नॉट योर प्रॉब्लम,
यू वॉन्ट टू वर्क, सब्जेक्ट तो बहुत प्यारा है मुझे करना है। मैंने तकरीबन 4.5 साल डायरेक्ट किया उसको, वो वीकली सब्जेक्ट था, उस जमाने में डेली था ही नहीं, वीकली हुआ था। सर फिर मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है यस बॉस, और उसका जब मैं उसके क्रेडिट्स पढ़ती हूँ और आपका नाम पढ़ती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। आज भी मैं वो फिल्म मैं खुद देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना स्मूथ एडिट हुआ था, ऐसे लगता ही नहीं है हम एक फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगता है रियलिटी चल रही है। ट्रू ट्रू वेरी ट्रू। और सर आपने एक सीरियल की हीरोइन के लिए 6 महीने लगा दिए, तो अपनी जिंदगी की हीरोइन कैसे? मेरी मम्मी की रिलेटिव है, कुछ डिस्टेंट रिलेटिव है। I had just seen her and then the proposal came after a long time. Okay. After a long time after that incident. I told my mommy, okay, you think she's okay. good? Okay. So she's good. Sir, आपके generation में जो लोग थे उस समय बहुत काम करते थे, आज घर पे बैठे हैं। मैं जब उनसे उन्हें देखती हूँ तो पता चलता है कि they are very frustrated. But आपके घर देख के लगता है you are very happy. क्या reason है इसका? यानी बड़ी बात नहीं करता हूँ लेकिन ऐसा बात देखा है कि आई एम सेल्फ कंटेंट, कि जो करना था वो कर लिया। न्यूज़पेपर्स में इधर उधर गूगल में लोग मैंने कभी देखा नहीं, लोग मुझे बोलते थे तो ये जो है ना कि हाँ किया है पर उसका गर्व नहीं, पर अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम नहीं, अंदर ही अंदर ये सैटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन एंड ऊपर वाले का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आई बिलीव इन कि मुझे ऐसी ऊंचाई पे ले गया कि मुझे ऐसा लगा कि बस अभी सब कुछ तो मालूम पड़ गया। सर यू हैव वर्क्ड विद शाहरुख खान, टेल मी आप मिले हैं उनसे कभी? मिले यानी फॉर इयर्स टुगेदर वी हैव वर्क्ड टुगेदर, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर ईट टुगेदर। आज भी जब कभी मुलाकात होती है तो ये रिकॉग्नाइज वी मीट वी टॉक, बट ही इज बिजी इन हिज ओन वे आई एम बिजी इन माय वे, लेकिन जब मिलते हैं तो वी हैव टू टॉक। आपको लगता है कभी कभी कि अगर मैं उस जमाने में पैदा नहीं होता, इस जमाने में होता तो कुछ मैं और करता, ऐसा कुछ लगता है? यू आर हैप्पी विद योर पीरियड? यस यस वेरी सैटिस्फाइड एंड कंटेंट, इसलिए मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है कुछ नहीं। आज के लोगों को, आज के एडिटर्स को, आज के डायरेक्टर्स के पास टेक्नोलॉजी है बट फिर भी वो जादू नहीं जमा पाते, क्यों? क्योंकि दे डोंट अप्लाई देयर माइंड। एडिटिंग सिर्फ काटना और जोड़ना नहीं है, यू हैव टू क्रिएट अ जादू, यू नो दैट मैजिक should be there, and that magic can come only if you apply your mind and skill in your hand, which is a God-given gift in my hand. तो ये God-given gift किसी को दे रहे हो अभी, किसी को सिखा रहे हो? हाँ मैं कुछ institutions में जाता हूँ। Okay. जैसे FTII में कभी बुला लेते हैं, मैं कभी MIT institute में बुला लेते हैं, यहाँ के local Bombay के जो है जो मीडिया स्कूल चलाते हैं उसमें जाता हूँ। okay. आज की नई जनरेशन को आप क्या सलाह दिया चाहते? बस ओनली थिंग इज दैट दे शुड बी अप्लाई देयर माइंड काम करने में और ऑनेस्टली, जस्ट बिकॉज यार काम करना है करके नहीं, कोई भी काम हो छोटा हो बड़ा हो उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। Tell me your happiest moment, जिसने आपको बहुत खुशी दी। एक फिल्म एडिट की थी मैंने जिसका नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तान। अजीज मिर्जा डायरेक्टर थे, अजीज मिर्जा शाहरुख खान एंड जूही चावला had formed a company and they were the producers. Okay. And I was the editor because Aziz Mirza loved to work with me. Shahrukh also knew me. And वो फिल्म का जब कंप्लीट हुई तो उसका प्रीमियर था आई थिंक न्यू एम्पायर में था बीटी पे, तो न्यू एम्पायर बीटी
तो वहां इंडिया था और मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, तो मैंने शाहरुख को बोला यार मेरे पेरेंट्स आ गए तो मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, और ये भी कोई खुशी की बात है, आप ले आओ भाई टिकट दे दो। तो दे गए इनवाइट है हम लोग सब गए। शाहरुख रिमेम्बर you know that is his greatness and the love between the two of us. He said kahan hai daddy, mera andar baithe hain. Shahrukh came and met them, and Shahrukh ko ek aadat hai ke wo jab bhi apne se bade buzurg ko milte hain to wo pair zarur chhoote hain. To he bent down and took ashirwad from my yani अब मुझे ये दो कि हम लोगों ने मेहनत की है इतनी कि हमारा सक्सेस हो, एंड माय मदर एंड डैडी वर लाइक यू नो इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, दिस सच बिग आर्टिस्ट कमिंग एंड मीटिंग देम, सो दैट वाज अ मोमेंट आई एंजॉयड द मोस्ट। ओके ओके आई गिव बैक समथिंग टू माय पेरेंट्स, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आई कैन स्टिल सी दैट इन योर आईज। Do you feel bad के जितना recognition actor और director को मिलता है उतना recognition editors को नहीं मिलता? उस जमाने में लगता था। Okay. इतना रात दिन काम करके भी एक्टर को इतना नाम मिलता है, डायरेक्टर को इतना नाम मिलता है, प्रोड्यूसर को मिलता है, एडिटर को तो पहचानता ही नहीं। ठीक है, अभी जब पलट के देखता हूँ तो ये लगता है कि डायरेक्टर तो स्क्रीन के पीछे काम कर रहा है, एडिटर सामने तो आर्टिस्ट ही है ना, और आर्टिस्ट ही बिकता है, एडिटर नहीं बिकता। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि एक्टर बिकता है और कम दिन बिकता है, एडिटर तो बिकता रहता है। एडिटर तो किसी को मालूम ही, कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि एडिटिंग क्या चीज है, अभी थोड़ा अवेयरनेस आया होगा। टेल मी सर व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग इज क्रिएशन, यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। हाउ मेनी अवार्ड्स यू हैव गॉट सर? सारे मिले, कुछ पड़े। कौन सा अवार्ड है जो दिल के बहुत करीब है? ऐसा आई कांट से बिकॉज मैंने जैसे बताया कि सारे प्रोजेक्ट मेरे दिल के नजदीक होते हैं। आई गॉट द बेस्ट एडिटिंग अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओके। और अभी जो सब लोग बोलते हैं कि पवार साहब ऐसे हैं, वो पवार साहब के हाथ से मुझे मिला था, क्योंकि पवार साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। Okay, okay. इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। आर यू रेडी? नहीं सर, मेरी हिम्मत है क्या? योर फेवरेट एक्टर? यू कैन से आई विल नेम टू। ओके, शाहरुख खान एंड आमिर खान। ओके, एक्ट्रेस? प्रीति जिंटा एंड जूही चावला। डायरेक्टर? डायरेक्टर कुंदन शाह। फिल्म? Yes Boss. Yes Boss. Song? Song of Yes Boss, the title song. Singer? Female singer Alka Yagnik, male singer Udit Narayan. Color? Color is light blue and light blue. Fruit? Fruit chikku hai. Yeah, vegetable. I like karela, bitter gourd. Place? Place I love to stay is Pune. Okay. अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो? मेरा हॉमटाउन, मैं पुणे से ही हूँ। Person? Sir, please मेरा नाम बताइए। गिरीश कर्नाड, because being a friend, he used to think about me when he was in America. जब आप फ्री होते हो तो टाइम पास के लिए क्या करते हो? I like to sing. सर आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे ये गिफ्ट स्पॉन्सर्स है नयापन, ये फैब्रिक ज्वेलरी बनाते हैं और काफी अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं, और इनकी स्पेशलिटी है जो आपके पास पीस है वो किसी और के पास नहीं, एक ही बनता है। एंड इसकी टैगलाइन है वेयर लोकल शाइन ग्लोबल। किसी गर्लफ्रेंड को मत देना। नहीं अभी इस एज में क्या गर्लफ्रेंड क्या सर। आई होप यू लाइक, I hope she likes it. She nice. Very nice. Earrings. Okay. Very nice. She'll love it. Yeah? Thank you.
सर हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपको। सो गाइस, खाने के बाद पेट भर, सुनने के बाद कान तृप्त हो जाते, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आप लोगों को मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि आज घर बैठे मैंने आपको एक इंस्टीट्यूशन के दर्शन कर, बट पता है इस इंस्टीट्यूशन से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ये जो सीनियर्स होते हैं ना, उस वक्त शायद हमें अच्छे नहीं लगते, क्या यार कितना बोलते हैं, कितना सुनाते हैं, कितना सिखाते हैं, जब हम बैठ कर सोचते हैं ना इस बारे में तो सच में ये हमारे फ्यूचर को बहुत ब्राइट करता है। एंड आई होप आप लोगों ने भी काफी कुछ सीखा होगा। गप्पा विद गोलगप्पा में हम हर उस शख्स की बात करेंगे जिसका स्ट्रगल, जिसका पैशन सराहनीय है। मिलते हैं गप्पा विद गोलगप्पा के अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही शख्सियत के साथ जिससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। Till then, bye bye, take care of yourself. We are saying bye to you. Bye. गप्पा विद गोलगप्पा, only on Aspect Star.